नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सरकारी स्कूल में होने वाली पढ़ाई आमतौर पर सवालों के घेरे में ही रहती है, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई में शामिल शिक्षक कभी अतरंगी नजर आते हैं तो कभी बच्चों की उपस्थिति चिंता का विषय होती है। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होती कि वो स्कूल तो जाए ही, साथ ही अलग से कोचिंग क्लासेस भी करें। हालांकि कुछ बच्चे क्लास कर लेते हैं, लेकिन अधिक संख्या में बच्चों को परेशानी जरूर होती है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब बिहार बोर्ड ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोचिंग क्लास शुरू करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में साक्षरता अभियान की मुहिम और तेज होगी। अक्षर अंचल योजना में नियत मानदेय पर कार्यरत शिक्षा सेवकों का शिक्षण कौशल और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें कोचिंग प्रदान करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों की है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की राज्य योजना के तहत प्रथम संस्था के सहयोग से सभी जिलों में शिक्षा सेवकों के शिक्षण कौशल बेहतर करने के लिए कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसके लिए वातावरण निर्माण हेतु अक्षर मेला, समर कैंप, 12 मासा सरीखे आयोजन होंगे। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में साक्षरता अभियान को लेकर शिक्षा विभाग ने जो कार्य योजना बनाई है उसके मुताबिक ही ये निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, अक्षरांचल योजना में अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय की 15 से 45 आयु वर्ग की 12 लाख असाक्षर महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। यानी कि अब छात्रों के साथ साथ माताएं भी पढ़ी लिखी होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। इसकी समय सीमा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 तक विस्तारित थी। अब ये योजना बंद हो गई है, लेकिन जारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना में 3,48,662 नव साक्षर हुए, जिसको ही एक बार फिर से शुरू किए जाने की तैयारी हो रही है, जिससे बिहार जिस अनपढ़ शब्द के कारण बदनाम है ये आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में सभी वर्ग को शिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बिहार सरकार इसी कोशिश में है कि बिहार का हर वर्ग शिक्षित हो, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा भी नई प्रणाली की होनी चाहिए। महात्मा गांधी का जोर शिक्षा पर शुरू से रहा था, अब बिहार में भी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। उम्मीद है कि बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की इस पहल का फायदा हो और छात्र जो है अब शिक्षित हो सके। कोचिंग संस्थान खोलने से, उनको कोचिंग की सुविधा मिलने से छात्र और अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार शिक्षा विभाग का ये फैसला छात्रों के हित में साबित होगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।